जेब में है खाली 50,000, वरी नॉट मेरे यार। क्या आप शुरू करना चाहते हैं बिजनेस 50,000 रुपए के अंदर? अगर इसका जवाब है हाँ, तो दोस्तों मेरी सलाह ये रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिनव सहगल और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस 50,000 रुपए के अंदर। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये वीडियो जल्दी से शुरू हो जाए, वैसे मेरा भी यही मानना है क्योंकि नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप एक कमाल का काम कर दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप के अंदर आपको मिलेंगे 1,000 से भी ज्यादा बिजनेस कोर्सेज, जिनकी मदद से आप अपने आप को काफी एजुकेट कर सकते हैं और अलग अलग बिजनेसेस के बारे में सीख सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं आज का वीडियो शुरू और बात करते हैं उन सभी बिजनेसेस की जो आप 50,000 में या उससे कम में शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं पहले बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस है टिफिन या फूड डिलीवरी बिजनेस। टिफिन और फूड डिलीवरी एक काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि 50,000 में शुरू किया जा सकता है। इसमें कैपिटल की जरूरत मेनली रॉ मटेरियल और फूड डिलीवरी पर्सन के लिए चाहिए होती है। ये बिजनेस आप किसी भी एरिया में शुरू कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं आफ्टर यू गेट अ पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद जो बिजनेस आता है वो है फूड स्टॉल या फूड ट्रक। एक छोटा सा फूड स्टॉल जैसे कि नूडल्स, मोमोज, अलग तरह की चाट या अलग तरीके का स्ट्रीट फूड मोस्टली सबको पसंद आता है। काफी सारे लोग इन फूड स्टॉल्स पे खाना खाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि फैंसी रेस्टोरेंट्स की बजाय लोगों को इन स्टॉल्स पे खाना खाना पसंद आता है। इसके बाद हम जिस बिजनेस की बात करेंगे वो है ट्यूटरिंग। अगर किसी के पास ट्यूटरिंग नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट केवल खाली एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट होगी जो कि आपको ऑफलाइन सेटअप के लिए चाहिए होगा एंड एक बेसिक कंप्यूटर सेटअप चाहिए होगा ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए। आप दूसरे ट्यूटर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो बिजनेस आता है वो है जैम एंड पिकल मेकिंग। भारत में अचार हर एक फैमिली के लिए एक तरह से आवश्यक है। इसमें एक ऐसा ट्रेडिशनल टच है जो किसी भी बोरिंग खाने को अपलिफ्ट कर सकता है। अचार बनाने का प्रोसेस काफी लंबा और मेहनत वाला है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे ऑनलाइन या किराने की दुकान से मंगवाना प्रेफर करते हैं। जैम बिजनेस भी काफी पिक कर रहा है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज फ्रेश जैम या ऑर्गेनिक जैम डेवलप नहीं कर पा रही। ये एक अच्छा बिजनेस है 50,000 में शुरू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक नए बिजनेस की बात करते हैं जो कि है वेडिंग प्लानर एंड इवेंट मैनेजर। दूसरों के लिए उनके स्पेशल डे के लिए प्लानिंग करना काफी मजेदार और क्रिएटिव हो सकता है। इवेंट प्लानिंग वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है टू स्टार्ट अंडर 50,000। इसमें अच्छी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में प्रॉफिट्स काफी हाई है। जितना आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं उतना आप अपने बिजनेस को राइट अप्रोच से बिल्ड कर सकते हैं। आइए चलिए अगले बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। अगला बिजनेस है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी बिजनेस में क्रिएटिव लोगों की जरूरत पड़ती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फोटोग्राफी काफी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी या फिर नेचर बेस्ड फोटोग्राफी। वेडिंग शूट और पार्टी शूट में हाई डिमांड और हाई पे रहता है। नेचर बेस्ड फोटोग्राफी में भी काफी हाई डिमांड रहती है, स्पेशली मैगजीन्स के लिए, और ये बिजनेस खाली तब चल सकता है अगर आप क्रिएटिव हो और आप अपने क्लाइंट की डिमांड को मीट कर सकते हो। अगले बिजनेस की बात करते हैं। अगला बिजनेस है हैंडमेड क्लोथ्स और एक्सेसरीज। हैंडमेड क्लोथ्स और एक्सेसरीज का बिजनेस काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। ये बिजनेस आप अपने घर के कंफर्ट से भी प्रमोट कर सकते हैं। हैंडमेड चीजों में आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है क्योंकि ये आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, पर एक बार जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इसकी मार्केट वैल्यू काफी हाई हो जाती है। कुछ जरूरी चीजें जो आपको इस बिजनेस में कंसिडर करनी है
वो है फुल टाइम वर्क, अच्छा रॉ मटेरियल और करेक्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस है अंडर द कैटेगरी ऑफ 50,000। अगले बिजनेस की तरफ आते हैं जो कि है यूट्यूब। अगर आपको 50,000 के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यूट्यूब बेस्ट बिजनेस हो सकता है, अगर आपके पास एक अच्छी डिलीवरिंग कैपेसिटी है। यूट्यूब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बस एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा, एक माइक के साथ और बेसिक एडिटिंग टूल्स पे इन्वेस्ट करना है। आप अलग अलग चीजों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन डीलर्स एटसेट्रा। आप अलग अलग चीजों के ऊपर अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, टीचिंग, रिपेयरिंग और काफी कुछ। आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपके पास ऑर्गेनिक व्यूअरशिप है। यूट्यूब के रेवेन्यू के अलावा आप पेड वीडियोस और प्रमोशनल वीडियोस से भी पैसे कमा सकते हैं। अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं जो कि है सलोन और पार्लर। एक तरह से हर एक इंसान की आवश्यकता है अपनी ग्रूमिंग के लिए। इसके लिए आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल प्रैक्टिस स्टाफ चाहिए। आप इसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सलोन बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है अगर आपके पास कस्टमर ऑर्गेनिक है, और ये खाली तब हो सकता है जब आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और वो उन्हें रेगुलरली यूज करें। अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं जो कि है सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग। भले ही हॉस्पिटल हो या घर, सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अच्छी इक्विपमेंट और स्टाफ के साथ ये बिजनेस बढ़ सकता है और आपको लॉन्ग टर्म में काफी मुनाफा दे सकता है। कोविड अफेक्टेड दुनिया के लिए ये बिजनेस बेस्ट है 50,000 रुपए के अंदर शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए स्पेशल लिस्ट उन बिजनेसेस की जो आप शुरू कर सकते हैं मात्र 50,000 रुपए में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी कई सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहां आपको मिलेंगे 1,000 से भी ज्यादा बिजनेस कोर्सेज। मैं अभिनव सहगल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गाइड, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए।